श्री तुलसीदास जी के जीवन में घटना घटी। वे भाव विह्वल होकर भगवत दर्शन की लालसा में चल दिए। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। 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 श्री तुलसीदास जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो ये रोए नहीं, राम कहा, इसलिए इनका नाम रख दिया गया राम बोला। चित्रकूट सामीप्य प्राप्त पुर राजा पुर अति पावन रवि तनुजा के तीर भूमि बुंदेल खंड मन भावन प्रगटे तहां जन्म दे धन्य भई माँ हुलसी गुण गायक सीताराम। प्रगटे तहां जन्म दे हुलसी गुण गायक सीताराम जी के। चित्रकूट के पास में ही राजापुर ग्राम है, यमुना जी के पावन तट पर, वहां श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। पिता का नाम पंडित श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम माता हुलसी। आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में, और खुली आपकी वाणी पहली बार जन्म के संग में। जन्म लेते ही जो वाणी खुली तो मुख से भई मधुर धुन राम राम कोकिल सी गुण गायक सीता राम जी के। मुख से भई राम धुन धुन कोकिल सी गुण गायक सीता राम जी के। मुख से भई मधुर धुन राम राम कोकिल सी। मुख से भई मधुर ध्वनि राम राम कोकिल सी गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। नाम हुआ राम बोला, और कितना बढ़िया नाम। विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में, श्रुति और शास्त्र का सरल भाव खोला था। जननी जनक दिया त्याग बाल काल ही से, उदर की ज्वाल हित द्वार द्वार डोला था। जन जन में प्रभु की भक्ति का बहाया स्रोत, प्रेम मधुमाह राम नाम रस घोला था। बाल भारती के विचित्र ग्रंथ मानस में, वही राम बोला या कि स्वयं राम बोला था। ऐसे संत। अच्छा, एक और अद्भुत बात थी, इनके मुंह में 3200 दांत थे। जन्म लेते ही 3200 दांत। क्यों? उस समय युग ऐसा था, आंख दिखा के दुष्ट विधर्मी भक्त जनों को डांटे, किसके मुंह में दांत जो कोई बात हमारी काटे। तो प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल सी गुण गायक सीताराम जी। प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल सी गायक सीताराम जी के।
भगवान की कृपा से। माता ने बालक को अभुक्त मूल नक्षत्र में प्राप्त किया है ऐसा समझकर सभी लोग विरोध करने लगे। अच्छा, फिर जब तुलसीदास जी इतने बड़े महापुरुष, तो भगवान ने शुभ नक्षत्र में क्यों नहीं भेजा? अरे भाई, किसी के घर में आग लग जाए तो उस आग को बुझाने के लिए पानी डालने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाएगा? कभी मुहूर्त नहीं है। अरे उस समय मुहूर्त नहीं देखा जाता, जो आवश्यकता है वही किया जाता है। तो जब सारे देश में राग द्वेष की आग लगी थी तो भगवान ने मुहूर्त नहीं देखा, तुलसीदास जी को तुरंत पहुंचा दिया उसी समय। पर माता हुलसी ने चुनिया नाम की दासी को दिया इन्हें। चुनिया भी कुछ दिन बाद दुनिया में नहीं रही, श्री तुलसीदास जी अकेले हो गए। गुरु नरहरिदास जी की कृपा से श्री अवध में उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, फिर काशी में श्री सनातन जी से विद्या अध्ययन किया। और एक क्षण उनके जीवन में ऐसा आया कि वे बड़े भाव विह्वल हो गए भगवान को पाने के लिए। कहते हैं श्री रत्नावली जी की प्रेरणा से रत्नावली जी के बिना रह नहीं पाते। इनकी भार्या एक दिन इनकी अनुपस्थिति में वो अपने माता पिता के यहाँ आ गई। तुलसीदास जी शाम को पता लगा बरसात के दिन वर्षा हो रही, रत्नावली जी से मिलने चल दिए। यमुना में बहते हुए मुर्दे को देखा तो नाव समझ लिया। ससुराल पहुंचने पर महल के चारों ओर कोई साधन अंदर प्रवेश का नहीं दिखाई दिया, एक नाग लटक रहा था उससे रस्सी समझ लिया। रत्नावली माता के भवन में पहुंचे, रत्नावली माता जाग गई। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए, रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी गुण गायक सीता राम। त्यागो काम राम की भक्ति करो सीताराम जेते। सदगुरु चक्रवर्ती सुख सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जेते। गुण गायक सीताराम जेते। गुण गायक सीताराम जेते। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया, प्रभुपद प्रीति प्रेरणा दायिनी देवी को शीश झुकाया। चल दिए राम दरस हित, चल दिए राम दरस हित, लगन बड़ी आकुल सी गुण गायक सीता राम जी की।